दोस्तों, दुनिया का वो पल सबसे हसीन होता है जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, और चाहे वो बच्चा इंसान का हो या फिर जानवर का। ये पल जीवन के कुछ ऐसे लंबे होते हैं जहाँ प्यार और ममता का एहसास भरा रहता है। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमीन पर रहने वाले सबसे विशालकाय जानवर के बारे में, जो है हाथी, और देखेंगे कि वो बच्चों को कैसे जन्म देती है, और साथ ही साथ हाथी के बारे में रोचक तथ्य भी आपको बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार बनी है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाथी दुनिया के सबसे भारी भरकम जीवों में से एक है। ये इतने भारी भरकम होते हैं कि इनका मुकाबला करना किसी के भी बस का नहीं। इनकी आवाज से ही आसपास के जानवर दूर भाग जाते हैं, और इसलिए हाथी को जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर भी कहा जाता है। और हाथी जब भी गुस्से में आता है तो जंगल में तबाही मचा देता है। सो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं हाथी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तत्व जो आपको हैरान कर देंगे। हाथी के दिन भर कान हिलाने का कारण। सो दोस्तों, अगर आपने अपने जिंदगी में हाथी को देखा है तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि ये जीव दिन भर अपने दोनों कानों को हिलाता रहता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है आखिर हाथी ऐसा क्यों करता है? दरअसल हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी अपने कानों से बाहर निकालता है, जिस कारण वो अपने कानों को दिन भर हिलाता रहता है। ये काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। अधिक बड़े कानों वाले हाथी पाए जाते हैं अफ्रीका में, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। हाथी की आंखों की रोशनी होती है कम। दोस्तों, क्या आपको पता था हाथी की आंखों की रोशनी बहुत ही कम होती है? पर हाथी की आंखों की एक खासियत यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में उन्हें ज्यादा। इसके अलावा हाथी की आंखों की पुतलियां बहुत ही ज्यादा सूख जाती है, और इन पुतलियों को आसानी से हिलाने के लिए हाथी की आंखों में एक तरल पाया जाता है, और जब ये तरल पदार्थ आंखों में ज्यादा हो जाता है तो वो आंखों के कॉर्नर के माध्यम से नीचे गिरता है, और हमें ऐसा लगता है कि हाथी रो रहा है, यानी कि उनके आंसू निकल रहे हैं। हाथी का जन्म। दोस्तों, हाथी में बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया लगभग इंसानों जैसी ही होती है, और हथनी लगभग 22 महीनों तक अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है। और साथ ही हथनियों को अपने बच्चों को दिन में जन्म देना पसंद नहीं होता है, वो आमतौर पर बच्चों को रात में जन्म देना पसंद करती है। हथनियाँ दिन भर अत्यंत दर्द सहन करके रात को अपने बच्चों को जन्म देती है, और ऐसा करने के लिए उसे एक बहुत ही सिंपल कार्य करना पड़ता है। हथनियाँ अपने बच्चों को जन्म देने के समय अपने पिछले पैर को थोड़ा झुका लेती है, और बच्चे को अपने पेट के दबाव के साथ बाहर निकाल देती है अपने पेट के। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि हाथी का बच्चा जब जन्म होता है तब लगभग उसका वजन 114 किलो होता है। इसी के साथ हथनियों को किसी घासदार या फिर मुलायम सतह पर अपने बच्चों को जन्म देना पसंद है। ऐसा वो इसलिए भी करती है क्योंकि जब उसका बच्चा उसके पेट से नीचे गिरेगा तब उसे कम से कम चोट आएगी अगर वो कोई नरम सतह पर गिरेगा। और हथनियों के बच्चों को खड़े होने की बहुत ही ज्यादा जल्दी रहती है, पर वो अपने पैरों पर करीबन 12 घंटे बाद ही खड़े हो पाते हैं, और तब तक उनकी माँ उनका देखभाल करती है और उनके ऊपर लगे हुए खून को चाटकर हटा देती है। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने देखा हाथी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट। सो दोस्तों, यदि आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और अपने फैमिली और फिर शेयर कीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अनोखे वीडियो के साथ।